हेलो, जेटके टेको इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेटके टाइम डॉट नेट वर्जन 3.3 सॉफ्टवेयर हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, कहाँ से डाउनलोड करना है और उसका ऑनलाइन लाइसेंस की हम कैसे एक्टिवेट करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हमको ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बार में एंटर कीजिए www.jetketeco.in। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पेज है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर पे आपका नेम, पासवर्ड, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने के लिए गेट कोड में क्लिक कीजिए। फिर ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद ये डिटेल्स एंटर कर कीजिए। उसके बाद फिर एग्रीमेंट क्लिक करने के बाद रजिस्टर। मैंने अपने आपको पहले से रजिस्टर कर चुका हूँ, सो मैं डायरेक्ट लॉग इन करूंगा। यहाँ लॉग इन में आपका रजिस्टर, ईमेल एड्रेस, उसके बाद पासवर्ड जो रजिस्टर करते समय आपने एंटर किए थे। फिर एग्रीमेंट क्लिक कीजिए, फिर लॉग इन। लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद हम सर्च बार पे एंटर करेंगे जेटके टाइम डॉट नेट, फिर सर्च। यहाँ पर देखिए जेटके टाइम डॉट नेट वर्जन 3.3, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर स्क्रॉल डाउन। यहाँ पर देखिए एक फाइल है जेटके टाइम डॉट नेट 3.3 वर्जन का, 110 MB का फाइल है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। सो डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आपको बता दूं जेटके टाइम डॉट नेट 3.3 सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसपे हम ट्रेडिशनल टाइम अटेंडेंस डिवाइस ऐड कर सकते हैं और विजिबल लाइट डिवाइस भी ऐड कर सकते हैं। ओके, और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए पीसी का कॉन्फ़िगरेशन विंडोज 7 एंड अबव होना चाहिए। मिनिमम 4 GB रैम एंड 32 बिट ऑपरेशन सिस्टम चाहिए। और ये सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट डाटाबेस जो एसक्यूएल लाइट है, और ये हम माई एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल और पोस्टग्रेस एसक्यूएल को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो यहां पर हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है। सो यहां पर फाइल लोकेशन में जाएंगे, यहां पर राइट क्लिक कीजिए, फिर एक्सट्रैक्ट टू जेटके टाइम डॉट नेट 3.3। फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद हम फिर एक्सट्रैक्ट फाइल में क्लिक करेंगे। यहां पर सेटअप पे क्लिक कीजिए। सेटअप में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ओके, सो मैं इंग्लिश ही रखता हूँ, फिर ओके। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, फिर नेक्स्ट। ये हमारा फाइल लोकेशन है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर ब्राउज करके आप पाथ चेंज भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल, नेक्स्ट। अभी हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिर फिनिश में क्लिक कीजिए। अभी हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, देखिए यहां पर डेस्कटॉप में शो कर रहा है अपडेट लिस्ट। फिर ये अपडेट होने के बाद फिर स्टार्ट सॉफ्टवेयर। फिर हमको लॉगिन करने से पहले हमको यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ओके, सो यहाँ पर मैं एडमिन एडमिन देता हूँ। और फिर रजिस्टर ईमेल एड्रेस, फिर रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद ये हमारा सॉफ्टवेयर का होम पेज है। ओके, लाइसेंस एक्टिवेट करने के लिए हमें यहां पर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद लाइसेंस में क्लिक कीजिए।
यहाँ पर लाइसेंस पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रायल वर्जन में 5 डिवाइस 1000 यूजर आप ऐड कर सकते हो, लाइसेंस लेने के बाद अप टू 50 डिवाइस और 2000 यूजर आप ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर दो प्रकार का लाइसेंस अवेलेबल है, ऑनलाइन लाइसेंस की और ऑफलाइन लाइसेंस की। तो मेरे पास अभी ऑनलाइन लाइसेंस की अवेलेबल है। ओके, अगर आपके पास नहीं है तो आप आपके डीलर से कनेक्ट कीजिए, वो आपको ऑनलाइन लाइसेंस की प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो रजिस्टर ऑनलाइन करने से पहले यहाँ पर आपको कंपनी नेम एंटर करना है, उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करना है, फिर ईमेल एड्रेस एंटर करना है, रजिस्टर ईमेल एड्रेस। ओके, सो ये तीन फील्ड मैंडेटरी फील्ड है, आप अगर चाहो तो सिटी, एड्रेस, इंडस्ट्री, कॉन्टेक्ट भी एंटर कर सकते हैं। ओके, फिर रजिस्टर ऑनलाइन में क्लिक कीजिए, फिर लाइसेंस में सिलेक्ट कीजिए, फिर ओपन। देखिए परमिशन अलाउड, अभी आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, अगर आपको ऑफलाइन लाइसेंस की चाहिए तो यहां पर देखिए आप जेनरेट यूपीके फाइल, यूपीके फाइल जेनरेट करने के बाद वो यूपीके फाइल आप आपके डीलर को प्रोवाइड कीजिए, डीलर आपको ऑफलाइन की प्रोवाइड करेंगे। फिर यहां पर रजिस्टर में क्लिक करने के बाद, रजिस्टर ऑफलाइन में क्लिक करने के बाद फिर वो फाइल सिलेक्ट कीजिए, फिर रजिस्टर ऑफलाइन हो जाएगा। ओके, सो आज के वीडियो पे इतना ही, अगले वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा डिवाइस कैसे ऐड करते हैं और एम्प्लॉय कैसे ऐड करते हैं, शिफ्ट असाइन कैसे करते हैं और रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल ZK Tech Co India को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।